के कमरे में कौन आएगा चोरी छुपके, हीरो ही आएगा। तो वो मेरे कमरे में आ गया है 120 रुपए लेने के लिए इतनी आधी रात को। तो वही सब कि क्यों वो मेरे कमरे में आया, जो इशिका का है गुस्सा, और क्या आधी रात को लड़का मेरे कमरे में कैसे आ सकता है, वही सब चलता है। तो मेरे जो ताऊ जी हैं वो देख लेते हैं कि एक लड़का इशिका के कमरे में आया है, तो एकदम बवाल मचा देते हैं पूरे घर में। उसके बाद का हम लोगों का पूरा इंटरेक्शन कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर रूप बात संभालने के लिए ऐसे पियक्कड़ वाली एक्टिंग करता है जो कि मुझे नहीं पता है अभी, तो फिर बाद बाद में रिवील होगा। उसके बाद टशन होगा कि इशिका क्यों इसके आगे क्या करने वाली है, इशिका ऐसी आसानी से तो छोड़ेगी नहीं रूप को। तो वो कुछ पर यू नो काफ़ी सारे उंगलियां आप इशिका पर उठी हैं कहीं ना कहीं कि यू नो इतनी रात गए कौन है कमरे में एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरे पूरे घर में। वो तो वैसे ही घर वाले नेगेटिव थे ही, पूरा ताऊ जी की जो फैमिली है, बट वो और मुझ पे चढ़ गए कि नहीं अब तो इस लड़की की शादी करा दो, ये तो हाथ से निकल गई है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आगे आप जो आने वाला है ट्रैक उसमें आपको पता चलेगा कि इशिका कैसे रिवेंज लेती है। ओके, काफ़ी अच्छा कर रहा है शो और टीआरपीज भी यू नो काफ़ी डूइंग गुड। व्हाट डू यू वांट टू टेल द व्यूअर्स एंड फैंस? आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल माय फैंस, ऑल द व्यूअर्स जो कि बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, जिनको हमारे ये शो बहुत पसंद आ रहा है। आई एम रियली ग्रेटफुल थैंकफुल एंड आई विल जस्ट से कि आप इतना ही प्यार हमें और भी देते रहिए। थैंक यू सो मच।